बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले ने शनिवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार को एनडीए में आने का खुला ऑफर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम लोग के अच्छे संबंध रहे हैं, नीतीश जी को फिर से वापस आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं और हमारे उनसे बेहतर संबंध रहे हैं। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार को मुंबई की बैठक में नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार भी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया से खुश नहीं है, यह नाम राहुल गांधी का दिया हुआ है। नीतीश कुमार अगर हम लोगों के साथ आते हैं तो बेहतर होगा। बीजेपी ने कम सीटों के बावजूद नीतीश जी को सीएम बनाया था। ये हमारे सबके मित्र हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां जब इलेक्शन हुआ था तब 45 कितनी 46 47 सीटें उनके आई थी, उसके बावजूद भी उनको मतलब यहां का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे है। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है। तो मुंबई की मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उनको सलाह है। इस खबर पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक बार फिर बीजेपी को पुरानी दोस्ती ही लगता है याद आई है। नीतीश जी को खुला ऑफर दिया गया है कि वह एनडीए का दामन थाम सकते हैं, पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए आयुष, रामदास अठावले जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और एनडीए में सहयोगी हैं, उनकी पार्टी है आरपीआई जो एनडीए में सहयोगी पार्टी है और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पटना आए थे आज पटना आए हैं और वो पटना आ करके वो जो भी अपने अधिकारियों से है जो बातचीत थी अपना मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया कि नीतीश कुमार को एनडीए में आ जाना चाहिए, उनके नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं, हमसे भी अच्छे संबंध हैं और एनडीए में हमेशा उनकी अच्छी प्रतिष्ठा मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अमित शाह ने कई खुले मंच से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन अठावले ने जिस तरह से आज बयान दे दिया है, फिर सियासत गर्म हो गई है और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगर थोड़ा इतिहास थोड़ा हम देखें तो बिहार का जो इतिहास है, बिहार में जो चुनावी जो सियासत जो गणित है अगर उसको हम लोग देखें तो पहली बार 2014 में जब एनडीए से जेडीयू जब निकली थी, नीतीश कुमार जब निकले थे और पार्लियामेंट्री चुनाव लड़े थे, तो वैसी स्थिति में इनका मात्र दो ही सांसद जीत पाए थे। लेकिन जब फिर 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब फिर एनडीए में जेडीयू पार्टी आ गए, नीतीश कुमार जब आ गए, तो 17 में 16 सीट पर उनकी जीत हुई। एक किशनगंज सीट हार गए नीतीश कुमार जो कांग्रेस को मिली थी। तो एक तरह से कहा जाए तो मौजूदा समय में अभी जेडीयू का 16 एमपी लोकसभा में है और 2014 में मात्र 2 एमपी थे। एनडीए से अलग हुए थे तो मात्र 2 ही एमपी रह गए थे और जब एनडीए के साथ जब चुनाव लड़े 2019 में तो 16 एमपी के साथ मजबूत स्थिति में है। तो इसके लिए अठावले, चूंकि चुनावी रणनीति जो भी रणनीति है बन रही है, समीकरण बन रहे हैं और अठावले ने खुले तौर पे ऑफर कर दिया कि नीतीश कुमार जी को एनडीए में आ जाना चाहिए, राहुल गांधी ने जो भी नामकरण दिया है INDIA इससे वो खुश नहीं है। अब जो तीसरी बैठक विपक्षी एकता की, इसी नाम पर हम आने वाले थे मनोज जी, इसी नाम पर आने वाले थे। इंडिया नाम को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है हमारे साथ तो सब कुछ ठीक है, हमारी बात बनी, सहमति बनी, तभी हम वहां बेंगलुरु से लौटे थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हो या फिर आरपीआई हो या एनडीए के जितने भी नेता हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम पर नीतीश कुमार की कभी सहमति नहीं थी, तो आखिरकार ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ एनडीए के नेता कहते हैं कि इंडिया नाम से नीतीश कुमार को दिक्कत थी।
देखिए, पब्लिकली जो भी कुछ बोला जाता है वो कहीं ना कहीं उसका अर्थ कुछ अलग होता है, उसकी जो दृष्टि होती है, उसकी जो नज़रिया होती है वो अलग होती है, और अंदर खाने में भीतर खाने में जो भी बात होती है वो अलग की चीज़ होती है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। और जितनी सारी पार्टियाँ हैं अगर ऐसे देखा जाए तो हाई लेवल पे सब एक ही मंच पे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन जब पब्लिक के बीच में ये लोग जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं, तो ये जनता को भी जो है समझने की चीज है। लेकिन जिस तरह से अठावले ने बयान दिया है और मजबूती के साथ उन्होंने कहा है, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के सोर्सेस INDI में जरूर होंगे ही होंगे। ऐसी बात नहीं है कि INDI के सोर्सेस जो है बीजेपी में या NDA में मौजूद नहीं होंगे, एक दूसरे के बीच में जो है आदान प्रदान वार्तालाप होते ही रहते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अठावले बहुत ही मजे हुए वो पॉलिटिशियन माने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार को वहाँ जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार से भी उनके अपने अच्छे संबंध की उन्होंने चर्चा की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह से बिहार में दलितों के और पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है ये अन्य प्रदेशों के बनिस्पत अभी बढ़ा है, उसका ग्राफ बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि वो महागठबंधन को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया। और दूसरी बात ये है कि इंटरकास्ट मैरिज पर भी उन्होंने जोड़ दिया, मतलब कि जो सोशल इंजीनियरिंग के पुरोहित माने जाते हैं नीतीश कुमार, उनको यहाँ पर आ करके उन्होंने इस पर चैलेंज कर दिया कि सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं आपका फेल आ रहा है, फेल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी बात यह भी है आयुष कि जातीय जो जनगणना पर जो चर्चा हो रही थी, जाति जो जनगणना हो रही थी, इसका भी उन्होंने समर्थन किया, और रोहिणी जो आयोग है उस पर भी उन्होंने कहा कि ये आयोग का अभी जो निर्णय है वो आने वाला है, लेकिन जातिगत जो जनगणना अगर होती है तो ऐसी स्थिति में दलितों का या फिर पिछड़ों का या सवर्णों का सबको जाति संख्या के मुताबिक उनके लिए जो है काम करने की जरूरत है, तो इसका भी उन्होंने समर्थन किया। एक तरह से जो यहाँ पर महागठबंधन सरकार की जो ये जातिगत जो जनगणना हो रही थी, जो निर्णय था, उसको उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो जाहिर सी बात है कि अठावले ने जो पटना में आकर के एक पासा फेंक दिया है, अब इसको देखना है कि इसमें क्या होता है। जातीय समीकरण की बात, नीतीश कुमार कब कहां चले जाएंगे, रामदास अठावले की बात को हम अगर मद्देनजर रखते हैं, तो आपने जातीय समीकरण की बात की, हमने पूर्व में देखा है कि जब RJD के साथ JDU का गठबंधन था, पहले की बात हम कर रहे हैं, इस बार की नहीं, उस वक्त क्या होता था कि जो सवर्ण थे वह कहीं ना कहीं इस गठबंधन से कटे हुए या फिर नाराज नजर आते थे। इस बार जो देखने को मिल रहा है, इस बार इस गठबंधन में जो सवर्ण नेता हैं वो भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ है? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। पहले की बात अगर जो आपका जो ये प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा हम लोग को अतीत में जाना होगा। 90 के दशक के बाद में बिहार में जातीय समीकरण का बोलबाला शुरू हो गया था। 90 के बाद में जब लालू यादव जब यहाँ पर बिहार की जब गद्दी जब संभाले, तो यहाँ पर कभी भूरा बाल साफ करो, कभी माई समीकरण का जो है नारा दिया, और इसको लेकर के वो वोट बैंक को कलेक्ट करते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से कहा जाए कि सोशल इंजीनियरिंग के पुरोहित यहाँ पर नीतीश कुमार आज के डेट में माने जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो जातीय जो गुणागणित है इसके पुरोहित लालू यादव हैं। जी बिल्कुल, और वो जो है लालू यादव भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो है कास्ट फैक्टर को लेकर के, हालांकि जिस तरह से भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव ने दिया था, लेकिन लोगों का ये कहना है और चर्चा का विषय भी रहता है कि कभी उन्होंने सवर्णों का खिलाफ नहीं किया, बल्कि सवर्णों का उन्होंने साथ दिया। सिर्फ सवर्णों के बारे में बोल करके जो भी पिछड़े जो लोग हैं या जो सवर्णों से जो ग्रसित लोग हैं उनका वोट बैंक वो कलेक्ट करते थे, इसके लिए वो बयान देते थे। तो ये राजनीति है, राजनीति में सब संभव है, और जहां तक अभी सभी लोग जो भी सवर्ण के नेता जी, मनोज जी देखिए, आपने कहा और इतिहास भी ये बयां करता है कि लालू यादव कभी सवर्णों के खिलाफ बयान नहीं दिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इतिहास का एक और चैप्टर उलट कर देख लें, गया हत्याकांड, जब एक सवर्ण गांव में लगभग 30 से अधिक संख्या में हत्याएं की जाती हैं और लालू यादव उस वक्त कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, क्या एक जाति विशेष खास फैक्टर था उस वक्त?
देखिए, जहां तक हत्या की बात हो रही है और जहां पर भी हुई क्राइम का, लालू यादव के समय में क्राइम बहुत चरम सीमा पर था, वो एक अलग चैप्टर है क्राइम का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यहां पर जब उनकी सरकार गिरी और जब नीतीश की, जब एनडीए की जब सरकार बनी, इस समय भी क्राइम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वोट बैंक, वो अगर देखा जाए तो 2010 में मात्र जो है आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई थी। तो वैसी स्थिति में आरजेडी का लगभग जो है लोग ये कह रहा था कि इसका खात्मा अब होना शुरू हो गया है। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन किया तो एकाएक जो है इजाफा हो गया और जो है हाई जंप जो है लगा दिया। तो जाहिर सी बात है जो माई संकरण जो आरजेडी का है वो जो है यहाँ इस 2015 के चुनाव में बहुत ये काम आया। तो ये जो है उसका सीट बढ़ा। लेकिन जब जिस तरह से गया की हत्या, गया में जो कांड हुआ था उसको लेकर के उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा, चूंकि उनका वहां पर वोट बैंक जो है वहां पर उनका कुछ डिसपोलराइज जो है वहां पर हो रहा था। तो ये अलग बात है, जो भी नेता का बयान आता है वो कहीं ना कहीं उसमें वोट बैंक भी छिपा रहता है कि वोट बैंक मेरा कहां प्रभावित होगा, साफ तौर पर जाहिर होगा, इसको देखते हुए बयान देना है। तो इसको लेकर के जो है वो लालू यादव का जो भी बयान कभी भी आया है, लालू यादव बहुत ही शिक्षित और पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनका जो टोन होता है, उनका बहुत ही मजाकिया टोन होता है और टोन ऐसा होता है कि वो बिहार के जनता का नब्ज जो पकड़ लिए और बिहार की जनता की भाषा में ही बोलते थे। कभी कभी तो हेलीकॉप्टर से जाते थे और रिक्शा पर बैठ करके सभा में जाते थे। तो वो जनता का नब्ज पकड़े हुए थे और उसी जनता का नब्ज पकड़ के 15 साल यहाँ पर बिहार की सत्ता में आसीन रहे। तो ये अलग अलग जो है परिस्थितियां हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक अठावले ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया है। हालांकि उनको ये सत्ता में, ये सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कब जो है पलटी मार देंगे, कोई ठीक नहीं। आपने ही जैसे जिक्र किया मनोज, आपने भी ये बात का जिक्र किया है अभी कि जब नीतीश कुमार लोकसभा एनडीए के साथ लड़े थे उस वक्त उनके सीटों में इजाफा हुआ था। अभी जो अगर समीकरण की बात कर ले तो क्या लग रहा, अगर एनडीए में नीतीश कुमार जाते हैं, जिसके आसार हालांकि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये राजनीति और नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल देखने को मिला है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोकसभा सीट के मद्देनजर नीतीश कुमार को क्या महागठबंधन के साथ इजाफा होगा या एनडीए के साथ? एक आखिरी सवाल। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जब चुनाव का समय आएगा INDI के में का मुद्दा क्या होगा, NDA का मुद्दा क्या होगा और उन मुद्दों पर जनता की क्या राय है और जनता किसके फेवर में जाती है। अगर जनता के हित में जिसका जो मुद्दा होगा वोट बैंक, उसी के लिए पोलराइज्ड होगा, तो ये उस समय पता चलेगा कि इसका मुद्दा क्या रहेगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां, जो अभी मौजूदा हालात जो अभी है उसके मुताबिक जिस तरह से जो पटना में जो बैठक हुई थी, कश्मीर का जो मुद्दा आया था और जो जिस तरह से UCC का जो मामला जो आ रहा है, तो इसको लेकर के अगर जनता की राय, अगर देश, चूंकि जो NDA का जो चल रहा है अभी कि एक देश एक कानून, ये भी मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा पर जो है वोट बैंक 2019 में अच्छी खासी वोट जो है माने परसेंटेज में इजाफा हुआ NDA को, तो जाहिर सी बात है कि उस समय का मुद्दा क्या होगा और मुद्दा को लेकर के जनता की क्या राय है। अगर देश हित के लिए कोई मुद्दा होगा, वो मुद्दा अगर भारी पड़ेगा इंडिया का, INDI का अगर मुद्दा अगर भारी पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में जनता का वोट, जो भी वोट बैंक है वो पोलराइज्ड होगा इंडिया की तरफ। अगर जो है देश हित का जनता अगर भारी पड़ेगा, देश हित की बात हो रही है, नीतीश कुमार की बात हो रही है, जहां एक तरफ NDA है दूसरी तरफ इंडिया है, एक तरफ 38 पार्टियों का गठजोड़ है दूसरी तरफ 25 पार्टियों का गठजोड़ है। अब देखना यह होगा कि चुनाव में अब 200 दिन बचे हैं, अब 200 दिनों में क्या ऐसा करती है इंडिया हो या फिर NDA हो। इस बार का चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। हालांकि रामदास अठावले ने खुला ऑफर दिया है इस बार नीतीश कुमार को कि आपके लिए NDA का दरवाजा खुला है, आप NDA में शामिल हो सकते हैं। देखना यह होगा कि अनिश्चितताओं के जो गुरु माने जाते हैं नीतीश कुमार, उनका झुकाव किधर रहता है, क्या इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे या इनका मन भटकने वाला है। इस बार का मुद्दा बहुत रोचक होने वाला। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो झारखंड की राजनीति पर चर्चा करेंगे।